2009 में जेम्स कैमरून ने अपनी शानदार और बहुप्रतीक्षित 3D फिल्म अवतार रिलीज की। यह फिल्म हॉलीवुड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में एक है। मोशन कैप्चर के उपयोग के कारण फिल्म को बड़ी सफलता मिली, जो बाद में फिल्म उद्योग में मुख्य धारा बन गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट लाइब्रेरी। मैं आपकी होस्ट नेहा लेकर आ गई हूँ एक नई इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ मजेदार तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तथ्य, 1997 में बनी फिल्म टाइटैनिक भी उस समय बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान रचने वाली फिल्म बन गई थी। टाइटैनिक के लिए कैमरून को बेहतरीन निर्देशन का ऑस्कर पुरस्कार मिला था। लगभग 12 साल के बाद जब उन्होंने अपनी नई फिल्म अवतार पेश की, तो एक बार फिर उन्होंने अपनी फिल्म में भव्यता के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दूसरा तथ्य, इस फिल्म के लिए कैमरून ने फिल्म में दिखाए गए एलियंस के लिए एक अलग भाषा भी बनवाई, जो यूएससी में भाषाविद डॉक्टर पॉल फॉर्मर ने बनाई। इस भाषा को 1000 शब्दों से बनाया गया था, जिसमें जेम्स कैमरून ने 30 शब्द जोड़े थे। इस फिल्म को बनाने के लिए जेम्स कैमरून के सेटअप भी अलग से किया गया था। तीसरा तथ्य, फिल्म की कहानी 22वीं सदी की है, जब मानव एक बेहद महत्वपूर्ण खनिज अनऑब्टेनियम को पेंडोरा पर खोद रहे होते हैं, जो एक बड़े गैस वाले ग्रह का रहने लायक चंद्रमा है, जो अल्फा सेंटौरी अंतरिक्ष गंगा में स्थित है। इस खनन कॉलोनी का बढ़ना पेंडोरा की प्रजातियों व कबीलों के लिए खतरा बन जाता है। पेंडोरा की प्रजाति ना ही जो मानव की सामान प्रजाति है, इसका विरोध करती है। चौथा तथ्य, कहते हैं कि इस फिल्म की कहानी मलयालम के सुपरस्टार मोहनलाल की मूवी वियतनाम कॉलोनी से भी काफी हद तक मिलती जुलती है। फिल्म रिलीज होने के बाद करीब 7 लोगों ने जेम्स पर कहानी चुराने का आरोप भी लगाया था। बाद में जेम्स ने कोर्ट में एक कॉपी भेजी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनको इस फिल्म का आइडिया कहां से आया था और वो केस जीत भी गए थे। पांचवा तथ्य, जेम्स कैमरून को बचपन से ही साइंस फिक्शन किताबें बहुत पसंद थी। कहा जाता है कि उन्हें इस फिल्म को बनाने का आइडिया भी यहीं से आया था। कैमरून ने टाइटैनिक बनाने के दौरान ही फिल्म अवतार की 80 पेजों की स्क्रिप्ट लिखी और टाइटैनिक रिलीज होने के बाद इस पर फिल्म बनाने की घोषणा कर दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑडिशन के समय सैम वर्थिंगटन अपने कार में ही रह रहे थे। सैम वर्थिंगटन के अनुसार उन्हें एक फोन कॉल के जरिए कास्टिंग के लिए आमंत्रित किया गया था। कॉल करने वाले व्यक्ति ने उन्हें स्क्रिप्ट के बारे में कुछ नहीं बताया, न ही उन्होंने उन्हें निर्देशक का नाम भी बताया। निर्देशक जेम्स कैमरून को सेट पर सख्त होने के लिए जाना जाता था। उन्हें काम के दौरान किसी भी प्रकार की खलल पसंद नहीं, जिसके लिए उन्होंने एक नेल गन भी रखी, जिसका उपयोग वे उन सेल फोनों पर करते थे जो काम के दौरान बज उठते थे। छठा तथ्य, जेम्स कैमरून ने इस फिल्म को बनाने की घोषणा तो कर दी, लेकिन फिल्म बनाने के लिए उन्हें हाईटेक टेक्नोलॉजी की जरूरत, क्योंकि उनके अधिकतर किरदार फिक्शन थे, लिहाजा वो उस समय इस आइडिया पर आगे काम नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने अपनी इस कहानी पर फिल्म बनाने का आइडिया नहीं छोड़ा। सातवां तथ्य, फिल्म में सुनाई देने वाली अधिकांश जानवरों की आवाजें जुरासिक पार्क से डायनासोर की हैं, जिसमें विशेष रूप से टीरेक्स और रैप्टर्स हैं। आठवां तथ्य, संगीतकार जेम्स हॉर्नर ने कहा कि यह उनकी सबसे कठिन फिल्म थी और उनके करियर की सबसे बड़ी चुनौती थी। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने 1.5 साल तक सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक संगीत पर काम किया। नौवां तथ्य, जैक सुली की भूमिका निभाने के लिए मैट डेमन और जैक गिलेनहॉल कैमरून की पहली पसंद थे, लेकिन कैमरून ने मुख्य भूमिका में सैम वर्थिंगटन को कास्ट करने का फैसला किया। दसवां तथ्य, फिल्म में 40% लाइव एक्शन और 60% फोटो यथार्थवादी CGI है। CGI दृश्यों के लिए बहुत सी मोशन कैप्चर तकनीक का उपयोग किया गया था। तो दोस्तों, आपको यह फैक्ट कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल फैक्ट लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।